डाल डाल में पात पात वाली कहावत रिवाड़ी पुलिस और शराब का अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं पर इन दिनों काफी हद तक सटीक बैठ रही है। रिवाड़ी पुलिस ने शराब माफियाओं पर शिकंजा कसते हुए पिछले एक महीने में 2.5 करोड़ से अधिक की अवैध शराब पकड़कर माफियाओं के हौसले पस्त कर दिए हैं। इसी के चलते थाना मॉडल टाउन पुलिस ने शहर की ब्रास मार्केट से चालक सहित 506 शराब की पेटियों से भरा एक ट्रक काबू कर लिया, जो नारनौल से बिहार ले जाया जा रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि नारनौल की ओर से शराब से भरा एक ट्रक रिवाड़ी की ओर आ रहा है। बैरिकेटिंग कर रिवाड़ी नारनौल मार्ग पर जब वाहनों की चेकिंग की गई, तभी एक ट्रक चालक वहां से भागने की कोशिश करने लगा। कुछ दूरी पर उसका पीछा करने के बाद उसे काबू किया गया। चेकिंग में ट्रक से 500 पेट्रोलिंग बचे, हमें सूचना मिली कि एक ट्रक जिसमें शराब होने की शंका है, वो नाईवाले की तरफ से आने की संभावना है। जिस सूचना पर मैंने सही मेरे साथी मुलाजमान के भाड़ावास चौक पर नाकाबंदी शुरू की। कुछ ही समय पश्चात, जब जैसे हम गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, कुछ समय पश्चात एक ट्रक नाईवाले की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया, जिसको मैंने सही ने टॉर्च के हिसाब से रुकने का इशारा किया। जो ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक को बड़ी तेज रफ्तार से चलाकर साइड मारते हुए मुलाजिमों की साइड कट मारते हुए ब्रह्मगढ़ के समारोह स्थल की तरफ भगा ले गए। मैंने सही ने उसका पीछा किया, तो जैसे ब्रास मार्केट कट की तरफ ट्रक को घुमा दिया। वहां चलने के उपरांत मैंने सही ने ट्रक को करीबन 20-25 कदम चलने के बाद ट्रक को काबू किया, पकड़िया और ड्राइवर को काबू किया। तथा ड्राइवर ने अपना नाम पूछा तो उसने अपना नाम दलबीर जम्मू का रहने वाला बताया। ये शराब कहाँ से कहाँ जा रही है? नारनौल से भर के चल गया था। कितनी पेटियां थी टोटल? टोटल पेटियां सुबह गिनने पर, रात को समय गैर था, रात को हमने चेक किया तो उसमें शराब की पेटियां भरी हुई थी। सर रात को नहीं, सुबह हमने गिनी तो कुल